बीजेपी का कारपेट बॉम्बिंग कैंपेन आज भी, सीएम शिवराज और खट्टर की ताबड़तोड़ रैलियां, जनता के बीच पहुंचेंगे कई दिग्गज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रमुख पार्टियां अपने प्रचार को और तेज कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी भी दिल्ली में अपना कारपेट बॉम्बिंग कैंपेन करेगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर समेत कई पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को एमसीडी के चुनाव दंगल में उतार दिया है। सभी नेता जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जगह जगह चुनावी सभा, रोड शो से लेकर घर घर तक जनसंपर्क कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि नगर निगमों में इस बार भी उसका वर्चस्व बना रहे, इसलिए वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और आप ने अभी तक इस तरह की किसी बड़ी जनसभा संबोधित नहीं किया। दिल्ली के चुनावी मैदान में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारी हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी भी दिल्ली की गलियों में प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। इसके अलावा आज भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मांगेंगे वोट। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती के बाद 7 दिसंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर को चुनाव प्रचार के मैदान में उतारा गया है। साथ ही दिल्ली के सभी सांसद बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज। धन्यवाद।